हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है बीपीएससी टीचर और साथ ही साथ 70वीं बीपीएससी और बिहार एसआई बिहार पुलिस के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है, सॉरी इससे तो आगे का स्टार्ट होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होना है यहाँ पे। हाँ, तो आज का क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन, यानी कि पोलियो वैक्सीन की खोज जो है किसने की है। ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो है वो किया गया है जोनास साल्के के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, पोलियो वैक्सीन की खोज जो है जोनास साल्के द्वारा जो है की गई है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर, यानी कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग जल के प्रदूषण के कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी है जॉन्डिस, ऑप्शन सी है कोलरा, ऑप्शन डी है टाइफाइड। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है ये जल के प्रदूषण के कारण नहीं होता है। बाकी जॉन्डिस, कोलरा, टाइफाइड ये सभी के सभी बीमारी जो है जल के प्रदूषण से होते हैं, और हेपेटाइटिस बी जो है ये जल के प्रदूषण के कारण नहीं होता है। अब है क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब है हेपेटाइटिस बी जो है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी जो है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है फंगस। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वायरस। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वायरस, यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब है द ऑर्गेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिजीज ऑफ हेपेटाइटिस इज, यानी कि मानव शरीर का वो कौन सा भाग है जो हेपेटाइटिस बी से जो है डायरेक्टली प्रभावित होता है। ठीक है, मानव शरीर का जो है वो कौन सा भाग है जो हेपेटाइटिस बीमारी से जो है डायरेक्टली जो है अफेक्टेड होता है। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है हार्ट, ऑप्शन डी है ब्रेन। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लीवर। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लीवर, यानी कि मानव अंग का जो है लीवर जो है वो हेपेटाइटिस बीमारी से जो है प्रभावित होता है। अब है हु इज द फादर ऑफ ह्यूमनोलॉजी। अब है हु इज द फादर ऑफ ह्यूमनोलॉजी, यानी कि ह्यूमनोलॉजी के जनक जो हैं वो कौन हैं। तो ह्यूमनोलॉजी के जो जनक हैं वो जो हैं इडवार्ड जेनर हैं। ह्यूमनोलॉजी के जनक जो हैं वो इडवार्ड जेनर हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्ड फ्लू वायरस। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्ड फ्लू वायरस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बर्ड फ्लू वायरस है। ऑप्शन ए है H5N1, ऑप्शन बी है H1N5, ऑप्शन सी है N5H1, ऑप्शन डी है N1H5। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा H5N1। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा H5N1, यानी कि H1N1 जो है वो जो है दोस्तों बर्ड फ्लू वायरस है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है H1N1 वायरस जो है जो समटाइम्स मेंशनड होता है न्यूज में विथ रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, यानी कि H1N1 वायरस का उल्लेख जो है कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में जो है किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। H1N1 वायरस जो है स्वाइन फ्लू के लिए होगा। H1N1 वायरस जो है वो स्वाइन फ्लू के लिए होगा, और दोस्तों H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू के लिए होगा। H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू के लिए होगा, और H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू के लिए होगा। ठीक है, H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू के लिए होगा।
अब है, इबोला वायरस का नाम किसके नाम से लिया गया है? द नेम ऑफ इबोला वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ, ऑप्शन ए है एक सिटी के नाम से, ऑप्शन बी एक प्रोविंस के नाम से, ऑप्शन सी एक रिवर के नाम से, ऑप्शन डी एक माउंटेन के नाम से। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नदी, रिवर, यानी कि इबोला वायरस जो है नदी के नाम से लिया गया है। ठीक है, इबोला वायरस जो है नदी के नाम से लिया गया है। अब है, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज इज काउज्ड बाय, ट्यूबरक्लोसिस रोग यानी कि क्षय रोग जो है निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है प्रोटोजुआ, ऑप्शन डी है फंगस। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। ठीक है फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। अब है, बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, यानी कि बीसीजी वैक्सीन का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है कोलरा, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी है मीसलेस, ऑप्शन डी है टिटनेस। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि बीसीजी वैक्सीन का उपयोग जो है ट्यूबरक्लोसिस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि बीसीजी वैक्सीन का उपयोग जो है ट्यूबरक्लोसिस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल के सेशन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।